बिच्छू एक राजनीतिक पर आधारित कहानी है जो आज के भ्रष्ट तंत्र जो है हावी है हिंदुस्तान के अंदर में। भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक एसपी है जो अपनी नौकरी छोड़ के अलग ढंग से लड़ाई लड़ता है और उसी चीज़ को ये बिच्छू में बन के दिखाया गया है। कास्ट की बात करें कौन कौन है इसमें? कास्ट में इसमें हीरो तो हमारे नए हैं लेकिन इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में अली खान है, ब्रजेश त्रिपाठी है और अभी कुछ कलाकारों की अभी हीरोइन तुरइन सारे लोगों का चयन बाकी है, अभी चयन चल रही है। आज के गाने की बात कर रिकॉर्डिंग चल रही है। आज की गीत इंदु सोनाली जो है भोजपुरी गाती है वही उसी का डबिंग है। आज गाने की लाइनें क्या है? गाने की रब क्या है? रब के बनावल जोड़ी, यही गीत का आज का लाइन है गीत का। जी बात करें आज रिकॉर्डिंग है, फिल्म का नाम क्या है और आप पहुंचे स्टूडियो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज मुहूर्त है, फिल्म का नाम है भोजपुरिया बिच्छू और उसका अभी पहला मुहूर्त सॉन्ग मैं गाने जा रही हूँ और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जैसा कि बताया गया है कि रोमांटिक सॉन्ग है और मेल फीमेल का है, तो फिलहाल तो अभी मैं गा रही हूँ और उम्मीद है कि शायद इस डुएट को उदित जी गाएंगे, तो बहुत मज़ा आ रहा है आज मुहूर्त सॉन्ग गा के। उदित जी के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री है? मोस्टली देखा गया भोजपुरी में बहुत अच्छा, वो तो मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि सामने तो सब एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, अगर मैं सामने आ गई तो सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन उदित जी ऐसे इंसान हैं जो कि मैं अगर जैसे कभी स्टूडियो में उदित जी आए और उसके बाद पता चला कि उनके जाने के बाद मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पे मेरे बारे में पीठ पीछे इतनी तारीफ़ करते हैं मेरे गाने की, मेरे स्वभाव के, जो भी उनको लगता है मेरे लिए तो वो बेधड़क बोलते हैं और जब मैं आती हूँ तो कहते हैं अरे उदित जी आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं। बहुत खुशी होती है कि एक इतने बड़े लेवल के सिंगर अगर एक छोटी सी कलाकार का अगर तारीफ़ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। गाने की कुछ लाइनें आप बता सकते हैं? अभी तो बस रोमांटिक सॉन्ग है, जब मैं गाऊंगी तो आप सभी को भी पता चल जाएगा, हमारे दर्शकों को पता चलेगा, तो थोड़ा सा सस्पेंस अगर हो तो अच्छा लगेगा। अच्छा, कौन सा गाना है जो आपके दिल के काफी करीब है, जो आपको हमेशा इंदु को याद आता है कि गाना? अरे काफी सारे, इसने आपकी लाइफ बदल दी हो। बिल्कुल, वैसे मैंने बहुत सारे गाने गाए लेकिन जो लाइफ में बिल्कुल मैं स्टार्टिंग मेरी हुई थी पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, इसमें मैंने आइटम गाया था, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे एक जो पहचान मिली एक तो था दामाद जी जिसका मैंने गाया था आइटम उठा दे लहंगा तलैकन बीमार हो जाई, फिर उसके बाद पूरी तरह से अगर एक पहचान अगर मुझे मिली है तो वो है लहरिया लूटा ये राजा, फिल्म का नाम प्रतिज्ञा था और काफ़ी हिट, अभी भी अगर मैं शोज में जाती हूँ तो बिना ये गाने का प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है। एक गाना गुनगुनाएंगे? बिल्कुल, और अभी मच्छरदानी सभी सुनते ही हैं तो मच्छरदानी में सुनाऊंगी, वो भी एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा अब तक। मन कर सिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रज कौन सत संग काटा तड़ छानी लगा के मच्छरदानी ही रज। थैंक यू।
क्यों क्यों क्यों, थैंक यू, क्यों क्यों नहीं बजाएंगे? तो मैं अभी आती हूँ उधर, हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। बना बल्बिया रब के, बना बल्बिया रब के, बना बल्बिया Thank you.
मैं जी को गोपाल पाठक जी को बहुत मुबारकबाद पेश करने आया हूँ, मुहूर्त की बधाई देने आया हूँ, क्योंकि टाइटल बड़ा अच्छा है, भोजपुरिया बिच्छू, टाइटल भी बड़ा अट्रैक्शन है। और इस फिल्म की शूटिंग ये लोग अप्रैल में बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर करेंगे। मैं इसमें मेन विलेन हूँ और यही वजह है कि मैं इनकी फिल्म के लिए आज मुझे पुणे जाना था, लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कहा मुबारकबाद दे के इनको जाऊँ। अच्छी कोशिश है, एक नई टीम है और कलाकार भी जो है इसमें हीरो हीरोइन में अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। नहीं, आजकल क्या है कि हीरो ही ज़्यादातर हीरो भी बनते हैं, विलेन भी बनते हैं। विलेन के हिस्से में अब काम बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी ट्रैक चेंज होगा। हर 10 साल पे एक ट्रेंड जो होता है ना फिल्म में, वो चेंज होता है। एक ज़माने में शाहरुख खान डर से उन्होंने एज ए लीड रोल की शुरुआत की, विलेन भी वही थे, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है चेंज होता जा रहा है। क्योंकि अगर विलेन को प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम नहीं देंगे तो विलेन फिर अपनी विलेनगिरी करने लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि टाइम इज चेंज और इंशाल्लाह अच्छे काम आ रहे हैं। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ वीरप्पन राम गोपाल वर्मा जी की, मकसद द मिशन एज ए विलेन मिठुंदा के अपोजिट। तीन चार फिल्में अच्छी आने वाली है, तो फिर से हम लोग पुराने लोग बिजी हो जाएंगे।